और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं निवाई का, जहां कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मंत्री राजेंद्र यादव। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, युवा शक्ति, पत्रकार बंधु, आज मैं सबसे पहले इन जो बच्चियों ने यहाँ कार्यक्रम करा, बहुत ही भावभीना और बहुत मेहनत वाला, मैं उसके लिए इन संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक कार्यक्रम का जो उद्गार हुआ, जिसमें आज युवा आके जुझारू होके आ रहे हैं और जो कहना चाहते हैं कि आज हम सब मिलके भाईचारे से, आपस में मिलके, कंधे से कंधा मिला के हम एक नई मिसाल कायम करें, ऐसा गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड पे आएगा। 30 लाख से ज़्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में, अलग अलग गांव में, पंचायत पे, ब्लॉक पे, जिला स्तर पे आगे जाएंगे। जो कार्यक्रम किया, इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी कि युवाओं में खेल की भावना आए, लीडरशिप निकले, आगे कॉम्पिटिशन में जहां जाएं, पैरा में, मेडिकल, आपका पुलिस में, आर्मी में और वैसे नौकरियों में जाएं, तो उनका वहां एक आगे बढ़ने का उनके अंदर जज्बा रहे। गांव में जिस तरीके से पिछले 5-10 साल के अंदर प्रगति भी आई है और साथ साथ दुराचरण भी हुआ आया है, युवा भटक रहे थे नशे की तरफ, दूसरे अपराधों की तरफ, उसमें भी इससे अंकुश लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच एजुकेशन के ऊपर अगर बात करें, तो आज अभी यहीं 3 महाविद्यालयों का शिलान्यास रखा गया। मैं कहना चाहूँगा निवाई की जनता को कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में एजुकेशन पे, हेल्थ पे और तमाम जो योजनाओं पे काम हुआ है, अगर मैं एक सिलसिलेवार गिनाने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। आपके यहाँ जितना विकास भाई प्रशांत ने गिनवाया, मैं कहता हूँ प्रशांत जी, आप भाग्यशाली हो, निवाई की जनता ने आपको चुना और आप पूरी जिम्मेदारी से उस विकास की गति को तेजी दे रहे हो। नहीं, आपसे पिछले काल में जो विधायक रहे हैं, हम भी उस समय विधायक थे, हम जानते थे कि क्या उन लोगों को यहाँ विकास मिलता था, कैसे होता था। मीठी बातें करके प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार पिछली चली है और जिस तरीके से वातावरण को खराब देश में किया जा रहा है, वहाँ आपको सोचना है कि 36 बिरादरी को साथ लेकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे, गरीब से लेके, गांव से लेके, ढाणी से लेके, विकास की लालटेन जो है वो पूरे प्रदेश में चले, या ऐसी सरकार जो